अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आप सब लोगों को अच्छा रखे, आप सब के नेक हाजतें नेक तमन्नाएं पूरी करे। जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उनको रोज़ी से लगा दे, जो रोज़गार से अल्लाह ताला उनको रोज़गार में बरकत दे, आमीन आमीन सुम्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हैदराबादी मीठी दाल। हैदराबादी मीठी दाल के लिए चाहिए 3 टेबल स्पून ऑयल, 100 ग्राम मसूर की दाल, 2 चाय के चमचे कोतमीर है, 2 हरी मिर्ची है, पुदीना 2 चाय के चमचे, अनियन 1 पीस, प्याज 1 पीस, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन आधा चाय का चमचा, कोतमीर 2 चाय के चमचे, 3 ग्रीन चिलीज उसको मैं स्लिट्स करके छोटे छोटे कर ली, आधा चमचा हल्दी। मैं दाल मसूर के लिए, आप लोग मूंग की दाल भी ले सकते हैं, तुवर की दाल भी ले सकते हैं, क्योंकि तुवर की दाल अंकल को डॉक्टर मना करा, एसिडिटी पेशेंट है अंकल, इसलिए मैं मसूर ज़्यादा ले रही हूँ। आप लोगों की जो भी मर्ज़ी है ले सकते हैं। और मैं ये दो दो चीज़ें कोतमीर 2 जगह इसलिए रखी हूँ, एक बघार का सामान है, गलाते वक्त डालने का है। मैं 2 घंटे भिगा दी थी दाल, 1 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। आप देखिए 1 गिलास पानी है, गैस ऑन है। अब इसमें सूप डाल दूंगी मैं, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची। अब इसमें देखिए कोतमीर डाली में, अदरक लहसुन नमक हल्दी हरी मिर्ची, पुदीना नहीं डालना है इसमें। अब इसको मैं 3 सीटी दे बाद आप लोगों को बताऊंगी। एक तरफ दाल गलने रख दी मैं, अब बघार के लिए तेल डाल रही हूँ। तेल अच्छा रहना मीठी दाल में, मीठी दाल का मज़ा नहीं आता अगर तेल ना रहा तो। तेल गरम नहीं हुआ अभी, गरम। अब इसमें प्याज डाल दूंगी मैं, प्याज डाल दी। देखिए प्याज मैं छोटी छोटी काटी, ऑमलेट से बड़ी, आप लोग जैसा भी काट, मतलब आड़ी खड़ी जैसा काटना चाह रहे काट सकते हो, और मोटी ना रहना। अब इसको अच्छे से तलना है, फ्राई करना है। अगर आप लोग घी भी डालना चाह रहे हैं, मीठी दाल असली घी दम पे डालें तो बहुत मज़े की होती। देखिए प्याज जब थोड़ी सी लाल होने आती ना, तो जब मैं ये बघार में आप लोगों को अदरक लहसुन नहीं बताई थी, मैं समझ में नहीं आएगा बोल के अंदर आधा चमचा डाली, ये 1 चम्मच रियाज फुल नहीं, ये मीडियम साइज चाय का चमचा एक, इसको अच्छे से तलना। मसाला डालूंगी मैं 4-5 पत्ते, तलूंगी इसको खुशबू आने। थोड़ा सा कोतमीर जो मैं बचा के रखी ना, थोड़ा है अभी। हरी मिर्ची नहीं डाली मैं इसके अंदर, बताऊंगी आपको। गैस बंद कर दी मैं, बस अभी ये चूल्हा गर्म रहता ना और हो जाता, ज्यादा काली डार्क ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो मिट्टी दाल पीली पीली नहीं होती, काला पना। देखिए मैं कुकर खोल दी, दाल अच्छे से गल गई, अब हम दाल को घोटेंगे। दाल ज़्यादा नहीं गलाना है, दाल जब तक दाल घोटनी नहीं लगी दाल मज़े की नहीं होती, दाल अच्छे से घोटना है। देखिए ये 2 ग्लास पानी है, मैं आपको ग्लास भी अभी बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल के घोटूंगी मैं। दो ग्लास पानी लगा देखिए इसमें, ज़्यादा पतली भी नहीं रहना है। मीठी दाल बोले तो ज़्यादा पतली नहीं, गाढ़ी नहीं, गाढ़ी रही तो मीठी दाल चूर के खाए तो मीठी दाल का मज़ा नहीं आता, गरम गरम पराठे उनसे अच्छी दिखती नाश्ते में। इसमें मैं जो हरी मिर्ची स्लिट्स करी थी ना वो भी डाल दूंगी, कोतमीर डाल दी मैं। ये देखिए दाल अच्छी सी पक गई, एक खलखली आने देना है, ज़्यादा पकाए तो दाल पतली हो जाती मीठी दाल। पुदीना आपको साथ डाल के चढ़ाना नहीं है, काली हो जाएंगी दाल। ये हो गया, गैस बंद कर दूंगी मैं, हरी थी ना मैं इसमें डाल देना है। ये देखिए मीठी दाल बन के रेडी है। हैदराबादी
हैदराबादी मीठी दाल बन के रेडी है। देखिए ये जो कफ कफ दिख रहा ना, बहुत गर्म है दाल, तो अपन जब पतीले में से कटोरे में डालें तो ऐसा आता है जैसा चाय कॉफ़ी बनाए तो ऊपर आता, देखिए वैसा है ये। और बना के देखिए, अगर आप लोग नाश्ते में नहीं खाना चाह रहे हैं, लंच या डिनर में, तो ये दाल के साथ आलू टमाटर का अचार बनाइए और बॉइल्ड एग चावल से भी बहुत अच्छा दिखता है ये। वन नाश्ते में मीठी दाल और निमरिच अंडा बोलते, देखिए काली मिर्ची वो दाल के खाते, क्वार्टर प्लेट में रख के जो मीठी दाल जो प्लेट में है वो प्लेट में नहीं, दूसरी प्लेट में, और गरम गरम पराठे दाल के खाइए असली घी के, और आप असली घी में भी दाल बघा रहे तो बहुत मज़े की होती। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दिल चाहा तो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।